Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do Democracy in the Contemporary World from Democratic Politics, Grade 9, CBSE. अब इस चैप्टर का एक स्टार्टिंग ओवरव्यू देख लेते हैं. This book is about democracy. ये बुक जो है पूरी तरीके से डेमोक्रेसी पर है. In the first chapter we see how democracy has expanded during the last 100 years to more and more countries in the world. पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो पिछले 100 सालों में या और ज्यादा कह सकते हैं कंट्रीज में फैलती जा रही है. मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसीज. आधे से ज्यादा इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जिनमें डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रूल चलता है. द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन स्मूथ एंड स्ट्रेट. और ये जो डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन है ये इतना स्मूथ या इतना स्ट्रेट नहीं था, यानी इतना आसानी से और बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं हुआ. इट हैज सीन सेवरल अप्स एंड डाउन्स इन डिफरेंट कंट्रीज. बहुत बार इसको उतार चढ़ाव देखने पड़े अलग अलग कंट्रीज में. इट स्टिल रिमेन्स एन अनस्टेबल एंड अनसर्टेन अचीवमेंट. तब भी ये जो है एक अनस्टेबल और अनसर्टेन अचीवमेंट की तरह ही रहा. दिस चैप्टर बिगिंस विद डिफरेंट स्टोरीज ऑन द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत हम अलग अलग स्टोरी से करेंगे, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ या जैसे कहते फॉर्मेशन नहीं हो पाया डेमोक्रेसी का अलग अलग पार्ट्स में दुनिया के. दीज स्टोरीज आर मेंट टू गिव अ सेंस ऑफ व्हाट इट मींस टू एक्सपीरियंस डेमोक्रेसी एंड इट्स एब्सेंस. अब ये जो स्टोरीज हैं इनको हमें मेन बताने का पर्पज ये है कि अगर जिनके पास डेमोक्रेसी है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ जिनके पास नहीं है तो क्या एक्सपीरियंस रहा. We present the pattern of the spread of democracy first with the series of maps and then with the short history. अब ये जो हम डेमोक्रेसी जिस तरह से फैलनी शुरू हुई उसका पैटर्न जो है पहले दिखाएंगे कुछ मैप्स की हेल्प से और फिर एक छोटी सी हिस्ट्री के द्वारा. द फोकस इन दिस चैप्टर इज ऑन द डेमोक्रेसी विद इन अ कंट्री. एक कंट्री के अंदर कैसी डेमोक्रेसी है उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा. But towards the end of the chapter, we take a look at the democracy or its absence in the relations among different countries. पर जब चैप्टर खत्म होने वाला है तब हम डेमोक्रेसी का वो पहलू देखेंगे क्या उसकी एब्सेंस में कैसे रिलेशंस होते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में. We examine the working of some international organizations. कुछ international organizations किस तरह से काम करती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे. This allows us to ask a big question. इससे हमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा. आर वी मूविंग टूवर्ड्स डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल. क्या हम सब जो हैं डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे हैं एक ग्लोबल लेवल पर. टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी. वर्कर्स ऑफ माय होमलैंड आई हैव फेथ इन चिली एंड इट्स फ्यूचर. जो मेरे कंट्री के वर्कर्स हैं मुझे तुम में पूरा भरोसा है चिली में और उसके भविष्य पे. चिलियंस विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन ट्रीजन बिकम डोमिनेंट. जो चिलियंस हैं यानी जो चिली के लोग हैं हम मुझे पूरा यकीन है कि वो इस अंधेरे को और जो इतने कड़वा मूवमेंट चल रहा है हम लोगों के लिए जब ये जो राजद्रोह है ये पूरी तरह से डोमिनेंट हो जाएगा तब हम इसको इससे पार पा पाएंगे. यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट सूनर रेदर देन लेटर द ग्रैंड एवेन्यूज विल बी ओपन वेयर फ्री मैन विल मार्च ऑन टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी. आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बहुत जल्द ही ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं ये खुल जाएंगी जहां पर जो लोग हैं वो आजादी से मार्च कर पाएंगे और अपने लिए एक बेहतर सोसाइटी को बना पाएंगे. लॉन्ग लिव चिली, लॉन्ग लिव द पीपल, लॉन्ग लिव द वर्कर्स. चिली काफी दिनों तक रहे, हमेशा रहे, हमेशा लोग रहे और वर्कर्स भी हमेशा रहे. दीज आर द माई लास्ट वर्ड्स एंड आई हैव सर्टेनिटी दैट माई सेक्रीफाइस विल नॉट बी इन वेन. ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये जो बलिदान है ये बेकार नहीं जाएगा. आई हैव सर्टेनिटी दैट एट द लीस्ट इट विल बी अ मॉरल लेसन टू कैस्टिगेट फेलनी कॉवर्डाइस एंड ट्रीजन. मैं एक सबक होऊंगा कि जो धोखा है, जो बुद्धिली है या राजद्रोह है उन सबको जरूर दंड मिलेगा. दीज आर सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ सल्वेडर एलेंडी प्रोनाउंस एलेंडे अयांदे. ये जो है कुछ कही हुई बातें हैं उन स्पीच की जो कि सल्वेडोर एलेंडे जिनको कि अयांदे भी बोलते हैं उनके द्वारा कही गई थी. ही
was then the president of Chile, a country in South America. उस समय वो चिली के प्रेसिडेंट थे जो कि एक कंट्री है साउथ अमेरिका की. The speech was given on the morning of 11 September 1973, the day his government was overthrown by the military. ये स्पीच उन्होंने तब कही थी जब 11 सितंबर 1973 की सुबह थी और उसी दिन उनकी गवर्नमेंट को जो है मिलिट्री द्वारा हटा दिया गया था. अयान्दे वाज द फाउंडर लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली एंड लेड द पॉपुलर यूनिटी कोलिएशन टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन 1970. ये जो अयान्दे थे ये बेसिकली लीडर थे सोशलिस्ट पार्टी के जो कि चिली की थी और इन्होंने एक पॉपुलर यूनिटी कोलिएशन जो है वो चलाई थी जिससे कि उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में विक्ट्री हासिल हुई 1970 के अंदर. आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट अयान्दे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजंस टू हेल्प द पुअर एंड द वर्कर्स. जब ये प्रेसिडेंट चुने गए तब अयान्दे ने जो है बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज बनाई, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जिससे कि पुअर लोगों और वर्कर्स को काफी मदद मिली. दीज इंक्लूड रिफॉर्म्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स. इसमें उन्होंने जो पॉलिसीज करी थी या डिसीजन लिए वो थे एजुकेशनल सिस्टम में चेंज, जो बच्चे हैं उनको फ्री में मिल्क दिया जाए और साथ ही साथ जिन फार्मर के पास लैंड नहीं है उनको दोबारा इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन करा जाए कि उनके पास भी थोड़ी सी जमीन आ सके. He was opposed to foreign companies taking away natural resources like copper from the country. वो जो है उन फॉरेन कंपनीज के बिल्कुल खिलाफ थे जो कि उन्हीं की कंट्री जैसे कि कॉपर है यहाँ पर उस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को ले जा रहे थे. द लैंडलॉर्ड्स, द रिच एंड द चर्च अपोज्ड हिज पॉलिसीज. पर जो लैंडलॉर्ड थे, जो रिच लोग थे या जो चर्च थे वो इनकी पॉलिसीज का पूरी तरह से विरोध कर रहे थे. सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चिली ऑल्सो अपोज्ड हिज गवर्नमेंट. और कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी चिली में जो इनकी गवर्नमेंट का पूरी तरह से विरोध कर रही थी.